मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर 3 से रिवीजन शुरू कर दिया मैंने रेशनल नंबर्स का, और उसमें उसको मैं लास्ट वीडियो में मैंने 4 तक आपको करा दिया था, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 तक। और ये वर्क बुक का 5th क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग एंड पुट द साइन लेसर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, राइट। तो इन तीन साइन में से कोई सा भी लगाना है आपको, तो इसमें कंपेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं जरा। देखो, एक ये है माइनस फोर अपॉन, फर्स्ट क्वेश्चन है 5th का ए, माइनस फोर अपॉन फाइव, ठीक है, बीच में ब्लॉक है, 2 अपॉन माइनस थ्री, इसमें भरना है ग्रेटर देन लेसर देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये नंबर जो दूसरा वाला है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, जैसे माइनस फोर अपॉन फाइव, ठीक है, यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा, इसको ऐसे करते हैं कि माइनस वन से ऊपर और माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री, मतलब माइनस हमारा ऊपर जाएगा तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। दोनों नंबर्स जो हैं वो एक तरह से को प्राइम हैं दोनों के, और जो माइनस है वो ऊपर की तरफ आ गया। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे, फिर आपका आंसर सही आएगा। तो फोर माइनस फोर इंटू थ्री, ठीक है, और इस तरफ फाइव और माइनस टू, तो फाइव इंटू माइनस टू, ये हो गया फोर, तो ये ट्वेल्व, ये हो गया ट्वेल्व, ठीक है, और फाइव टू जा टेन, माइनस का टेन, ठीक है। तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो छोटा नेगेटिव नंबर बड़ा होता है, और बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव में अपोजिट होता है, माइनस टेन बड़ा होगा और माइनस ट्वेल्व छोटा होगा, तो इनके बीच में जो साइन आएगा वो लेसर देन का आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी इस तरह से भर देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दैट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, कि टू अपॉन माइनस थ्री अगर लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज इट, यू विल मेक अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे आप, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे इसको, आफ्टर देन यू विल डू द क्वेश्चन, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर्स दिए हैं 1/7, माइनस 1/3 और माइनस 2/8, ठीक है। अब इन नंबर्स को जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो जो नीचे वाले नंबर्स हैं जो डिनोमिनेटर में हैं, 7, 3 और 8, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं इसका एलसीएम 7, 3 और 8, ठीक है। और 7, 3, 8 में दो नंबर्स ऐसे हैं कि इनका फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, और तीसरा अगर हम करेंगे भी तो भी हमारा एलसीएम में ये इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि हम एक साथ रख के और जो इसके फैक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि केवल एक ही नंबर है, तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट का मतलब हुआ, हम इसे करेंगे 7 × 3 × 8, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन आएगा, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं आना, तो इसका मतलब है कि पूरी पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 3 = 21 × 8, 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16, यानी 168 आपको लेना है। तो आप इसे कन्वर्ट करिए, जैसे 1/7, 1/7 को करेंगे तो 1/7 को मुझे कन्वर्ट करना है और 168 यहाँ पर करना है, यहाँ 168 करना है। तो जब आप 7 से 168 को डिवाइड करोगे, 7 से 168 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 24, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, 7 से करके देख लेना, 168 को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट होगा वो 24 आएगा, ठीक है। तो 24 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये इसका जो एलसीएम है वो 168 आ जाएगा। तो नीचे वाला तो आप 168 लिख देंगे सीधा, क्योंकि 7 × 24 168 होता है, ऊपर 24 हो गया। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, 168 नीचे और 24, तो ये इनका डिनोमिनेटर जो है वो 168 हो गया। नेक्स्ट है माइनस वन अपॉन थ्री। तो -1/3 में क्या है, अगर आप 168 को डिवाइड करेंगे 3 से, 168 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 1 बचेगा 18, 3 × 6 = 18, राइट।
तो 56 आएगा, इसका मतलब है इस नंबर में हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 168 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो माइनस 56, ऊपर तो माइनस 56 अपॉन नीचे 168 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से 2 अपॉन 8 को करेंगे, 2 अपॉन 8, तो 8 जो है 8 से 168 को आप डिवाइड करोगे, 8 से 168 को डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 टू जा 16, डाउन करेंगे 8 तो 8 बन जा 821 से होगा, तो आप इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 168, ठीक है। और ये शायद नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं लगाया हमने तो ये नेगेटिव नंबर आ गया। अब हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं, 24 ये पॉजिटिव नंबर है तो ये सबसे बड़ा होगा, आप लिखेंगे यहाँ पर 24 अपॉन 168, ठीक है। और ये नंबर जो है वो बड़ा होगा इन दोनों में, देखो माइनस 56 अपॉन 168 और माइनस 42, तो माइनस 42 वाला नेगेटिव नंबर बड़ा होगा, तो आप लिखेंगे माइनस 42 अपॉन 168, यानी ये नंबर इससे बड़ा है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ, तो सबसे छोटा नंबर इधर रखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं, सबसे छोटा नंबर रखना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर होगा माइनस 56 अपॉन 168, तो माइनस 56 अपॉन 168 इसको लिखेंगे, ठीक है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इनमें देखेंगे, और हमें दिख रहा है यहाँ पे ये 24 ये पॉजिटिव नंबर थी, सबसे बड़ा होगा ही, इन दोनों नेगेटिव नंबर्स में भी माइनस 42 बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा 56 अपॉन 168 हमने लिख दिया। उसके बाद सबसे छोटे के बाद उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर होगा तो ऑब्वियसली इसमें लेसर देन का साइन लगेगा, ये हो जाएगा माइनस 42 अपॉन 168, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 24 अपॉन 168, ठीक है, ठीक है ना, ये भी माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है। अब इनके ओरिजिनल नंबर लिख दें आप तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, 56 अपॉन 168 का था माइनस 1 अपॉन 3, नेक्स्ट नंबर है उससे बड़ा 2 अपॉन 8, ये भी नेगेटिव है, और सबसे बड़ा है 1 अपॉन 7, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे आपके दो क्वेश्चंस, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एट द फॉलोइंग बी पार्ट, ए पार्ट मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर इक्वल था, डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप सिंपली डिनोमिनेटर रख के ऊपर वाले ऐड या नेस्ट जो भी होते हैं वो कर दीजिए। यहाँ पर हमें ऐड करना है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, ये 18 है यहाँ पर, ठीक है, इनमें हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 18 और 27, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से तो ये हो गया 9 और ये 27 ही रहेगा, फिर करेंगे 3 से, 3 जा 9, फिर 3 से तो ये हो जाएगा 1 और 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1, ठीक है। तो मेरे पास जो इसके फैक्टर्स आए वो आए, एलसीएम जो आया, एलसीएम आया एक्चुअली में 2 × 3 × 3 × 3, यानी 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 और 18 × 3 = 54, 54 हमारा एलसीएम हो गया। तो हमें इसे इक्वल करेंगे 54 के, तो सबसे पहले 11 अपॉन माइनस 18 है, इसको अगर आप ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करें माइनस 1 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करें माइनस 1 से, ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, 11 प्लस नहीं लगाएंगे, सॉरी हाँ माइनस लगेगा, माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, माइनस 11 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मेरे पास नंबर अब है माइनस 11 अपॉन 18, मुझे यहाँ 54 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 33 अपॉन 54, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 अपॉन 27, ठीक है,
सेवन अपॉन 27. अब 27 से ये टू टाइम्स जाएगा 54, तो आपको नीचे 54 बनाना है, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 14 / 54, हमारे दोनों नंबर्स कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 11 / -18, इसको लिखा हमने -33 / 54 + 14 / 54. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कॉम इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा 54, एलसीएम आ जाएगा 54, ऊपर आएगा -33 + 14 + 14, ये हो जाएगा -19 / 54, और यही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आप अभी यहाँ तक करेंगे, और इसमें जो एट द फॉलोइंग में एक और क्वेश्चन छूटा हुआ है वो आप कर लें. ठीक है, और इसके बाद आएगा एक न्यूमरेटर 36 वाला, तो इसके बाद सेवन्थ का एथ क्वेश्चन भी ट्राई करिए, सेवन्थ और एथ क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको ट्राई करिए, उसके बाद कल फिर कराता हूँ.